नमस्कार, आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल में बहुत बहुत स्वागत। मैं रेखी ज्ञान चैनल के माध्यम से यामिनी शर्मा एक ऐसा स्विचवर्ड आप सभी के लिए लेकर आई हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। यूं तो हम बहुत सारे स्विचवर्ड्स हैं जो चैंट करते हैं, आखिर क्या मैजिक है स्विचवर्ड्स में जिनको चैंट करने के बाद हमारे काम होना शुरू हो जाते हैं। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं क्यों हो जाता है, आखिर एक शब्द ही बोलने से हमारा काम क्यों होता है। आज इतना अच्छा आपके लिए स्विचवर्ड लेकर आऊंगी जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकता है। जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो कई प्रकार की चीजें हमें हीलिंग के दौरान ध्यान रखनी पड़ती हैं, जिसमें हीलिंग में एनिमल हीलिंग होती है। जब कोई एनिमल हमारी हीलिंग करता है या उसके थ्रू हम कोई सेवा करते हैं तो उसके थ्रू जो हमारी वाइब्रेशंस हमें प्राप्त होती हैं वो हजार गुना पॉजिटिव असर देने वाली होती हैं। किसी की भी अगर आप सेवा करते हैं, कई बार आपने देखा होगा, क्योंकि मैं वास्तु और ज्योतिष से भी जुड़ी हुई हूं, तो हम कहते हैं फलाने जगह पे जाकर दान दो, गौ सेवा करो, अगर शनि की, राहु की या ये वाली दशा है तो उसमें अपने घर में काले रंग का कुत्ता रखो, या सड़क के जो कुत्ते हैं उनको जाके आप कोई भी चीज, उनके पसंद का चीज ऑफर करो, किसी की भी आप जानवर की आप सेवा करो, मंदिर में जाके जो अगर आपके बच्चे पढ़ने में इंटेलिजेंट नहीं है, सद्बुद्धि नहीं है, तो एलिफेंट्स की आप सेवा करो। इस तरीके के अलग अलग हम उपाय देते हैं और उन उपायों को करने के बाद में उनकी पॉजिटिविटी भी हमें मिलती है, क्योंकि जानवरों में क्या ऐसी शक्ति है जो हमारी हीलिंग इतनी तेज हो जाती है। देखिए, इसे समझिए, हम लोग जो कर्म करते हैं, हम कर्म करने के लिए बने हैं। मनुष्य का जन्म कर्म करने के लिए है, इसलिए कहते हैं कर्म कर फल की चिंता मत कर। लेकिन जो जानवर है वो कर्म भोगने के लिए बना है, इसीलिए उसको वो योनि प्राप्त है। ये ज्ञान मुझे मेरे बड़ों से प्राप्त हुआ है। जानवर अपने आप अपने कर्म नहीं बनाता, अगर आप उसे बांध देंगे तो बंधा रहेगा, ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेगा, चिल्लाएगा और पूरे घर को परेशान करेगा, इससे ज्यादा वो कुछ नहीं करेगा। लेकिन मनुष्य अपना सद्बुद्धि लगाएगा, कैसे निकलूं, सवाल जवाब करेगा, बहुत सारे तर्क करेगा। इसलिए मनुष्य की को बोलते कर्म करो, उचित कर्म करो, उसके अनुरूप तुम्हें फल मिलेगा। लेकिन जानवर क्या कहते हैं, तुमने कर्म किया था इसलिए जानवर योनि मिली थी, अब उसको भोगो। इसलिए जब जानवर दुआ देता है तो हमारी कैपेसिटी, हमारी जो कर्माज है वो बहुत जल्दी हील होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसको सिर्फ जो भी हम काम करेंगे उस पर रिएक्शन देना आता है, उसे कर्म बनाने नहीं आते, वो भोग रहा है इसीलिए पर्टिकुलर उसे वो योनि प्राप्त है। यहां पे अब हम बात करेंगे कि ऐसा कौन सा स्विच वर्ड है, अगर हम उसे चैंट करें तो क्या तात्पर्य, आज जो मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूं। स्विच वर्ड्स आपको पॉजिटिव अटेंशन देते हैं, आपके चक्रास को, आपके दिमाग को। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा प्रेरित रहते हैं, यानी कि एक ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशन जो इनडायरेक्टली आप अपने आप को दे रहे हैं, जो आपके कामों को पूरा कर रही है। इस स्विच वर्ड में इतनी ताकत है, यदि आप सही तरीके से इसको करेंगे तो मैजिकली असर देता है। आपको लगता है कि आपका व्यापार नहीं चल रहा, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, तो एक पेपर ले लीजिए और उस पेपर के अंदर आप उस स्विच वर्ड को लिख लीजिए। अगर आपके सिर के ब्रासलेट्स हैं, उनको एनर्जाइज नहीं हो रहे, आपको लग रहा है काम करना कम ज्यादा कर रहे हैं, तो उनके अंदर वो स्विच वर्ड्स आप डालिए और उनसे अफर्मेशन शुरू कर दीजिए। कहीं पर ब्लॉकेजेस आ रहा है, आपने अपनी शॉप ली है, उस पर ग्राहक नहीं आते, सुबह बैठिए उस स्विच वर्ड को चेंट कीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं लेकिन उन्हें क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उसने पढ़ाई से पहले स्विच वर्ड को चेंट कीजिए। 21 टाइम्स आपको बोलना है आंख बंद करके और पूरे विश्वास के साथ। लेकिन ये नहीं मैंने सिर्फ एक दिन बोल दिया बस खत्म, अरे इसे तो काम ही नहीं किया। आपको नहीं पता किस डायमेंशन में काम होता है, ये स्विच वर्ड किस डायमेंशन में काम करते हैं। आपको काम है सिर्फ बोलना, तो आप इन स्विच वर्ड्स को सिर्फ बोलिए, सिर्फ इनको चेंट कीजिए, सीधा पावर, सीधा आपकी शक्तियां आपके दिमाग को पहुंचेंगी। अब मैं बताऊंगी वो स्विच वर्ड कौन सा है। वो स्विच वर्ड है वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ।
वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, इस तरीके से आपको ये स्विचवर्ड बोलना है। कई बार हम स्टक हो जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है। करियर की आपको चिंता है, आपको समझ में नहीं आ रहा, चेंट कीजिए, पॉजिटिविटी किसी ना किसी थ्रू आपके पास आएगी। ये स्विचवर्ड वुल्फ मैजिक, आप सोच नहीं सकते एक वुल्फ में कितनी ताकत होती है। आपने अक्सर इस पर अच्छी अच्छी फिल्में तो बनी देखी होंगी, बॉलीवुड में तो वुल्फ पे न जाने कितनी फिल्म है, कितनी ताकत होती है। ये उस ताकत को पूरा, उस ताकत को आपको इस स्विचवर्ड के थ्रू आपको शक्ति देता है। पानी का ग्लास है, उसमें डालिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ और उस पानी को आप पी सकते हैं। एकदम से आपकी ऑरा क्लीनिंग शुरू हो जाएगी, आपको ताकत मिलने लग जाएगी। बीमार है, बार बार बीमार पड़ते हैं, क्या करें, एक ग्लास लीजिए, उसमें 4-5 तुलसा जी के पत्ते डाल दीजिए, उस पर लिखिए वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ। आप लिख भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, उस पर आप रेड पेन से या ब्लू पेन से लिख सकते हैं। उस पानी को आप ड्रिंक कर लीजिए, करके देखिए 21 डेज, आपके अंदर चेंजेस, आपके अंदर पावर खुद आनी शुरू हो जाएगी। डिसीजन मेकिंग में दिक्कत है, डिसीजन नहीं ले पाते, क्या राइट है क्या रॉन्ग, उस समय इसका इस्तेमाल कीजिए। ये एक स्विचवर्ड मल्टीपल टास्क रखता है, सिर्फ आपको सिर्फ पैसे नहीं देता, सिर्फ आप सोचे आप पैसे के लिए, ये सभी प्रकार की आपकी स्टक चीजों को ओपन करने का द्वार है। कहीं भी आप स्टक हो जाते हैं, आप काम करते करते आपका व्यापार रुक जाता है, जब रुक जाए तब स्टार्ट कर दीजिए, देखिए आपका व्यापार चलने लगेगा कि नहीं। यूं तो मैं हमेशा कहती हूँ, अगर व्यापार में दिक्कत है या व्यापार में प्रॉब्लम है तो सिट्रीन का हमेशा इस्तेमाल कीजिए, बहुत ताकत होती है। मैं तो उसको मैजिकल स्टोन बोलती हूँ, मनी को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करने वाला स्टोन है, क्योंकि ये बृहस्पति कारक है तो आपकी बुद्धि पर भी काम करता है। गुरु तत्व होने के कारण, बृहस्पति तत्व होने के कारण इसकी शक्ति बहुत अधिक है। सूर्य राशि जिन लोगों की है उनके लिए तो ये अमेजिंग है, अगर वो इस स्टोन को रखते हैं। स्टोन में बहुत ताकत है, मतलब आप सोच नहीं सकते इतनी ज्यादा ताकत ये स्टोन हमें देता है। यदि स्टक है तो इस तरीके का स्टोन रखिए, वो आपको अचानक से आपकी मैजिकली पावर्स को बढ़ा देगा। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता, कभी कभी ऐसे फैसले लेने का समय आता है कि भाई शादी हमारी होनी है, दो लड़के हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा कौन सा लड़का हम इसे चुने या ऐसे, उस समय चेंट कीजिए, सही के लिए आप चेंट कीजिए। अगर आपको लगता है आप किसी को समझ नहीं पा रहे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में अननेसेसरी इश्यूज आ जाते हैं, कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो जाती है और दोनों के रिलेशंस को खराब कर रही है, उस समय बहुत काम करेगा। यूं तो मैं कहती हूं कि आप 7 चक्रा का ब्रेसलेट मंगाइए और उसके साथ में रोज क्वार्ट को लगवा के देखिए इस तरीके का होगा। ये तो मैग्नेट ब्रासलेट है, ऐसे करेंगे देखिए बंद हो जाता है। इस तरीके के पहनिए, रोज क्वार्ट्ज आपके रिलेशनशिप पे बहुत काम करता है। मैं हमेशा कहती हूँ इसका एक अच्छा सा बढ़िया सा, इसका एलिफेंट, इसका बढ़िया सा ट्री, वो इतना सा ट्री आप मत रखिए। इस रोज क्वार्ट्ज को अगर आपका रोज का बहुत इश्यू है, बहुत दिक्कत है, अच्छा बढ़िया क्वालिटी का रोज क्वार्ट्ज रखिए। आप लोग मार्केट से बेकार बेकार चीजें उठाकर लाते हैं थोड़ा सा पैसे बचाने के लिए, उसको रखते हैं और फिर एंड में बोलते हैं मैम इसमें तो एनर्जी ही नहीं थी, ये तो काम करता ही नहीं, ये तो बेकार है। नहीं, आप एक बार इन्वेस्टमेंट कीजिए, बिग कीजिए लेकिन अच्छा कीजिए, एनर्जीज आएंगे। कि रोज क्वार्ट्ज इज अ रिलेशनशिप स्टोन, वो काम करेगा ही करेगा, उसकी एनर्जीज इतनी हाई होती है। रोज क्वार्ट्ज में तो हमने इतने सुंदर सुंदर ब्रासलेट बना रखे हैं, हम आपको क्या बताएं, हमारा कारीगर बनाता है, आप सोच भी नहीं सकते इस तरीके के हमने रोज क्वार्ट्ज पे ब्रासलेट्स और सारी चीजें बना रखी। इतना बड़ा ब्रासलेट आप पहनेंगे आपको अलग ही इसकी देखिए शक्ति मिलेगी, अलग ही प्रकार के रोज क्वार्ट्ज है, ये चक्रा के साथ हमने बनाया है। मतलब इस तरीके से रोज क्वार्ट्ज की माला अमेजिंग काम करती है। अगर रोज क्वार्ट्ज की क्वालिटी देखिए, मतलब ये वो चीजें हैं जो आपकी ऑरा पे काम करती हैं, आपको पॉजिटिविटी पे काम करती है। आप इन चीजों को समझते ही नहीं है, आप वो इतना तसा ले आएंगे, छोटी छोटी से ले आएंगे, कम से कम स्टोन लीजिए जो आपको क्वालिटी दे, क्वालिटी स्टोन लीजिए, उस समय ये स्टोन लीजिए और वहां चेंट कीजिए कौन सा स्विचवर्ड,
वुल्फ मैजिक बिगिन नाउ, और होल्ड कीजिए देन चेंट कीजिए, आप देखिए पॉजिटिविटी धीरे धीरे खुद ही आना शुरू हो जाएगी। बहुत सारे उपाय होते हैं जिनको हम लाइफ में करते हैं जो हमारी पॉजिटिविटी के लिए ही बने हैं, जिनमें ये एक मैजिकल उपाय है। मैं आशा करती हूँ आप सब मेरे रेखी ज्ञान चैनल से के माध्यम से जुड़े हैं, जिसके थ्रू मैं आपको तो ये आज मैं स्विच वर्ड दिया, इसका चेंट कीजिए और बताइए ये आपके लिए किस तरीके से कारगर हो। आप सभी का मेरे रेखी ज्ञान चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।